मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा, देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो। सत्येंद्र जैन इस समय ईडी की हिरासत में है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर हवाला के मामले के चलते उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। भारी मात्रा में सोने के सिक्के और बिस्किट भी बरामद हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर 15 घंटे छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए। 7 राज्यों में 31 ठिकानों पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। दरअसल शराब घोटाले में छापेमारी के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर देश छोड़कर जाने पर रोक लग गई है।